आओ, अब मैं आपको नाउन के साथ वर्ब जोड़ना सिखा रही हूं। मैंने बिल्कुल नया नया टॉपिक आपको पढ़ाया था ना, वर्ब अभी नाउन से पहले। तो अब हम नाउन और वर्ब को जोड़ना सीख रहे हैं। नाउन और वर्ब को जोड़ना सीखने में सबसे पहली बात मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, इंग्लिश में पीपल, इंग्लिश में पुलिस, केटल, जेंट्री, शीप, डियर, फिश। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हमेशा इंग्लिश ने काउंटेबल प्लूरल माना हुआ है। और जब ये नाउन काउंटेबल प्लूरल है ना, तो इनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल। और इन पे कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता। इन पे कभी भी एस या ईएस का यूज हमें नहीं करना होता। यानी पीपल्स बोलोगे तो गलत है, पुलिसेस बोलोगे तो गलत है, फिशेस बोलोगे, कैटल्स, शीप, सब गलत है। इन पे ऐसी आईएस कभी नहीं लगता। वर्ब ये हमेशा प्लूरल लेते हैं। पीपल आर, पुलिस आर, जेंट्री आर, कैटल आर, इस तरीके से वर्ब हमेशा प्लूरल और ऐसी आईएस आपने कभी भी नहीं लगाना है। हाँ, इसमें से ये दो शब्द ऐसे हैं जिन पे ऐसी आईएस लग जाता है, लेकिन कंडीशन अलग होती है। पीपल पे एस सिर्फ तब लगता है जब अलग अलग जाति, धर्म या देश के लोग दिखाओगे। फिश पे ऐसी आईएस तब लगता है जब अलग अलग प्रजाति की मछलियां दिखाओगे। समझे? तो आपको ये सारे वर्ड्स दो तीन बार रिवाइज करने हैं और फिर इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगानी है। कभी भी इन पे ऐसी आईएस का यूज नहीं करना है। पुलिस भी हमेशा प्लूरल होता है। अगर पुलिस को सिंगुलर करना होता है तो इंग्लिश में लिखा जाता है पुलिसमैन, इंग्लिश में लिखा जाता है पुलिस ऑफिसर। ऐसे बच्चों,